Hey friends, this is Sagar Kotak here and welcome to my channel. Today's video is going to be special, especially for those people who are aspiring singers. Why? Because we are going to deep dive into the fundamentals of music. Let's go! काफी सारे लोग सिंगिंग सीखना चाहते हैं. जाहिर से बात है, संगीत की दुनिया इतनी खूबसूरत है, इतनी गहरी है, इतनी मधुर है कि सभी इसमें डूबना चाहेंगे. मगर आज हम डिफाइन करते हैं पहले कि संगीत है क्या. स्वर और लय, इन दोनों के माध्यम से हम अपने भावों को प्रकट करते हैं. इसको कहते हैं संगीत. इसका अर्थ ये होता है कि संगीत है स्वर, लय और भाव का सम्मेलन, तीनों का समावेश. संगीत का अल्टीमेट उद्देश्य यह है कि आप स्वर और लय, इन दोनों के माध्यम से अपने भावों को प्रकट कर सके, और ना सिर्फ प्रकट कर सके, सामने वाले के दिल तक उस भाव को पहुंचा सके. तब ये बात करते हैं कि संगीत के प्रकार क्या है. वेल, ब्रॉडली स्पीकिंग, संगीत को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं. एक तरफ है शास्त्रीय संगीत और दूसरी तरफ है भाव संगीत. अब आप पूछेंगे कि इन दोनों में फर्क क्या है, तो लेट्स डिस्कस दैट. शास्त्रीय संगीत जो है उसमें हमें कुछ विशेष नियमों का पालन करना होता है, जैसे कि राग की चलन क्या है, उस राग में कौन से स्वर है, कौन से स्वर नहीं है, उसकी आहरों के स्वर क्या है, अवरों के स्वर क्या है, वो राग किस समय के लिए बनाया गया है, यानी हर एक राग का एक स्पेसिफिक समय होता है जब वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है, वो राग कौन से थाट से आया हुआ है, वगैरह वगैरह. दूसरी तरफ है भाव संगीत. अब भाव संगीत जो है उसमें कोई विशेष नियम नहीं है, विशेष कोई शास्त्र नहीं है, क्योंकि भाव संगीत का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि वो कान को सुनने में अच्छा लगे. तो उस नज़रिए से बॉलीवुड संगीत की जो दुनिया है उसे हम भाव संगीत के श्रेणी में डाल सकते हैं. हालांकि आजकल के काफ़ी सारे बॉलीवुड सॉन्ग्स शास्त्रीय संगीत के नियमों का पालन करते हैं ताकि वो और भी सुंदर बन जाए. तो इससे पहले कि आप संगीत की जर्नी में शुरुआत करें, आपको ये डिसाइड करना है कि आपको किस रास्ते पे जाना है. चलिए दोस्तों, तो अभी तक आपने समझा कि संगीत क्या है, संगीत की डेफिनेशन क्या है, और ब्रॉडली स्पीकिंग संगीत की क्या कैटेगरीज है. आइए तो अब बात करते हैं सप्तक के बारे में. सप्तक को इंग्लिश में कहते हैं ऑक्टेव, बट द क्वेश्चन इज व्हाट इज एन ऑक्टेव. वेल, संगीत की दुनिया में सात मुख्य शुद्ध स्वर है. सा यानी षडज, रे यानी ऋषभ, ग यानी गांधार, म मध्यम, प पंचम, ध धैवत और नी निषाद. इन सात शुद्ध स्वरों को सप्तक कहा जाता है, एन ऑक्टेव. अब ये समझते हैं कि सप्तक के कितने प्रकार हैं. वेल, ब्रॉडली स्पीकिंग, सप्तक के तीन मुख्य प्रकार हैं. द लोअर ऑक्टेव, जिसे कहा जाता है मंद्र सप्तक, द मिडिल ऑक्टेव, जिसे कहते हैं मध्य सप्तक, एंड द हाई ऑक्टेव विच इज कॉल्ड तार सप्तक. मंद्र, मध्य, तार, जितने भी गाने बनते हैं उनको 90% मध्य सप्तक में गाया जाता है, द मिडिल ऑक्टेव. और हम जो बातचीत भी करते हैं डे टू डे लाइफ में, वो जो साउंड फ्रीक्वेंसी होती है वो ज़्यादातर मध्य सप्तक में होती है. अब एक सप्तक में कुल मिलाकर 12 स्वर होते हैं, जिसमें 7 सुर होते हैं शुद्ध और बाकी के 5 सुर होते हैं विकृत. अब समझते हैं शुद्ध स्वर कौन से हैं. सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, ये शुद्ध स्वर है. अब इन 7 स्वरों में 5 स्वर ऐसे हैं जिनके विकृत रूप है, तो वो कौन से हैं. सा, नो, सा का कोई विकृत रूप नहीं, क्योंकि सा अचल स्वर है, उसका कोई दूसरा रूप नहीं. आगे बढ़ते हैं, रे, जी हाँ, रे स्वर का और एक रूप है जिसे कहते हैं कोमल रे. फिर गा, कोमल गा. मा, अब मा में ऐसा है कि मा का कोई कोमल रूप नहीं है, मगर मा का तीव्र रूप है, तो म शुद्ध, म तीव्र. प, प भी अचल स्वर है. धा, धा कोमल. नी, नी कोमल. तो इस तरह से सा और प अचल स्वर है, रे, गा, धा और नी, ये 4 स्वरों के विकृत स्वर है कोमल, और म का विकृत स्वर है तीव्र. तो कुल मिलाकर एक सप्तक में 12 स्वर हो गए, 7 शुद्ध और 5 विकृत.
दोस्तों, आज आपने संगीत के विषय में काफ़ी कुछ जान लिया है, तो चलिए थोड़ा रियाज करते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा एक बेसिक रियाज की टेक्निक कि किस तरह से हम 7 शुद्ध स्वरों को अपने रियाज में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और अब बात करते हैं कि इस रियाज को करेंगे कैसे। संगीत का सबसे बड़ा नियम है सुनना। जी हाँ, आपको लगा होगा कि मैं कहूँगा गाना। सिंगिंग कम्स लेटर, द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इज लिसनिंग। तो सबसे पहले मैं 7 शुद्ध स्वरों का जो रियाज है वो आपके लिए गाऊंगा, आप सुनिए, और फिर मैं आपके लिए वही नोटेशंस कीबोर्ड पे प्ले करूंगा ताकि आप उस नोटेशंस के साथ रियाज कर सकें। सो आर यू रेडी? लेट्स गो। अब आपकी बारी, साथ में गाइए। दोस्तों, मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि अगर आप संगीत की दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हैं तो मैं जो भी रियाज आपको बताता हूं वो आप डेली बेसिस पे उसे प्रैक्टिस कीजिए, कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस कीजिए, और देखिए कि आपको क्या पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, स्पेशली दोस्त फ्रेंड्स हु आर म्यूजिकल लवर्स। साथ ही साथ इस चैनल पर मैं लेकर आ रहा हूँ सिंगिंग ट्यूटोरियल की एक सीरीज़, तो अगर आपको संगीत में रुचि हो तो आप इस पेज को लाइक जरूर कीजिए, सो दैट जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो वो सबसे पहले आपको मिले। सो वील मीट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। अंटिल देन, गुड बाय, हैप्पी सिंगिंग, हैप्पी रियाज़।